आदिवासी बॉइलिंग अलाइव ट्राइबल एस्केप अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के द्वीप में एक छोटे से गांव में एक छिंदी चोर रहता था, नाम था सिकंदर। वो हर एक व्यक्ति से उधार लेता था। अगर कर्जदार आते तो ये पेड़ के पीछे छुप जाता था या अपने मुंह के सामने अखबार रखकर उनसे बचकर निकल जाता था। यूं घटिया हरकत करता रहता था। एक दिन वो चाय की दुकान पर आया और यहाँ वहाँ देखकर, अरे चाय पीने के लिए जेब में एक रुपया भी नहीं है, कोई मिल जाए तो उधार करना होगा, अब आज कौन सा बकरा फंसने वाला है। यूँ सोच ही रहा था कि एक व्यक्ति उसके पास आया और कहने लगा, तू मुझे पहचानता है? तब सिकंदर, लगता है मैंने तुम्हें किसी जेल में देखा था। तब वो आदमी, अरे थप्पड़ खाओगे, मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए और तुम भूल गए। तब सिकंदर, अरे हाँ मुझे याद आया, अरे भैया आजकल मेरा धंधा ठीक से नहीं चल रहा, जब मेरा बिजनेस चल पड़ेगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे। तब वो आदमी, क्या कहा, जब पैसे आएंगे तब दोगे? अरे मेरे पैसे चुपचाप लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ डालूंगा। यूँ कहते हुए उसने वहाँ एक डंडा उठाया। तब सिकंदर, क्या कहा, मेरे हाथ पैर तोड़ डालोगे? ठीक है ऐसे ही करो। तब वो आदमी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैंने ये डंडा मारा तो तुम्हारे सारे हड्डी टूट जाएंगे। सिकंदर, अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तोड़ डालो मेरी हड्डियाँ, पर जरा इस तरफ आकर मारना, वरना चाय वाले भाई साहब को परेशानी होगी। कहकर जरा हटा वो आदमी डंडा उठाते हुए, देखो मैं सचमुच मार दूंगा, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, खबरदार। तब सिकंदर, अरे और कितनी बार कहोगे, मैं तो कह ही रहा हूँ तोड़ डालो मेरी हड्डियाँ, अब मारो भाई मारो। तब वो आदमी डंडे से मारने लगा। सिकंदर, अरे ठहरो भैया, जरा यहाँ मारना, यहाँ जरा जोर से मारना, जरा एक काम करो इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आके यहाँ मारना। हाँ, अरे भैया तुम टांग तो भूल ही गए, टांग पे भी तो मारो, यहाँ मारो। कहकर जगह दिखाने लगा और मार खाने लगा। वो आदमी मारते मारते थक गया। तब सिकंदर, लेकिन भैया सिर पे ना मारना वरना केस हो जाएगा, ये यहाँ पिछवाड़े पे मारना। हाँ, कहकर मार खा रहा था। तब वो आदमी, अरे तुम्हें मार मार कर मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं और तुम्हें कोई असर ही नहीं हो रहा। तब सिकंदर, भैया दर्द सहने के लिए मैंने हिमालय के एक स्वामी जी से कुछ मंत्र सीखा है, वो मंत्र पढ़ने से किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। तब वो आदमी, अरे भाई वो मंत्र जरा मुझे भी तो सिखाओ, पुलिस वालों की मार मुझसे सहा नहीं जाता, प्लीज मुझे बताओ ना, प्लीज सिखाओ ना। सिकंदर, पर तुम्हें सिखाने का मुझे क्या फायदा, तुम कह दो कि तुम्हारा सारा उधार चुक गया है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तब वो आदमी, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तुम्हारा सारा उधार चुक गया है, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे वो मंत्र बताओ। तब सिकंदर उसके कान में, दर्द दर्द दर्द, ये दर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओम भीम क्रीम फट, दर्द मेरे बदन से हट, हाय दर्द हो दर्द कुछ नहीं कर सकता भाई, ओम भीम क्रीम फट, दर्द मेरे बदन से हट। तब वो व्यक्ति, दर्द दर्द दर्द, ये दर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओम भीम क्रीम फट, यही है ना। तब सिकंदर, वेरी गुड, जब भी तुम्हें दर्द हो ये मंत्र उच्चारण करना, तब तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। ऐसा कहा वो आदमी, अरे वाह कमाल हो गया, ठीक है फिर अपने मन में, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अंडमान द्वीप में खजाना ढूंढने जा रहा हूँ, अगर गलती से वहाँ के आदिवासियों ने मुझे पकड़ लिया और मारने लगे तो ये मंत्र उच्चारण करके मैं वहाँ से बच कर भाग आऊंगा। कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सिकंदर, अरे बाप रे, अरे इसने तो मेरा कचूमर बना दिया, हाय रे बाप रे, अरे सारे बदन में दर्द हो रहा है, इस कमीने को यकीन दिलाने के लिए मैंने बहुत मार खाया, हाय रे हाय। कहकर लंगड़ाते लंगड़ाते वहां से चला गया। यूं खजाना ढूंढने के चक्कर में वो एक नाव में एक द्वीप पर गया। वहाँ वो खजाना ढूंढ रहा था कि तभी कुछ आदिवासियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। उसे एक डंडे के साथ बांधकर उसे ले जा रहे थे। तब ये व्यक्ति, अरे दर्द दर्द दर्द, ये दर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ओ भीम क्रीम फट, दर्द मेरे बदन से हट। कहकर हंसने लगा। वो उसे ले गए
और एक बहुत बड़े हांडी में उसे डाला जिसमें पानी उबल रहा था। ये गाने लगा, अरे दर्द दर्द दर्द, ये दर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ओम भीम क्रीम भट, दर्द मेरे बदन से हट। यूं गाने लगा, फिर धीरे धीरे ये ओम भीम क्रीम भट, अरे यहाँ नीचे पानी गर्म क्यों लग रहा है, अरे बाप रे ये क्या, ये पानी तो उबल रहा है, अरे मेरे बदन को दर्द हो रहा है, अरे मेरा सारा बदन जल रहा है, कहकर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख को सुनकर आदिवासी सब घबरा गए और वो सब तितर बितर हो गए। तब ये आदमी उबलते हुए पानी के हांडी से बाहर कूदा और वहां से फरार हो गया। इंजीनियर का मिनिएचर वुडन व्हीकल सर्विसेज बिरयानी ढाबा। एक गांव में एक कारपेंटर था, वो बहुत गरीब था। वो छोटे मोटे कारपेंटरी का काम करते हुए अपने परिवार की देखभाल करता था। उसका एक छोटा बेटा था मदन, वो बहुत होशियार था, वो अपनी कक्षा में प्रथम आता था। मदन के कुछ धनवान दोस्त भी थे, मदन पढ़ाई में उनकी मदद करता तो वो प्यार से उसे खिलौने गिफ्ट में देते थे। उन खिलौनों को घर ले जाकर मदन उनके साथ खेलता था। उसी गांव में हाईवे के पास एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था मिश्रा। मिश्रा और उसकी पत्नी वो ढाबा चलाते थे। मिश्रा बहुत अच्छा आदमी था। मिश्रा का बेटा नंदू एकदम निकम्मा नालायक था। वो कोई काम नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ शराब पीता हुआ जुआ खेलता रहता था। क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं थी तो स्कूल के बाद मदन उस ढाबे में काम करता था, वो ढाबे का सारा काम करता था। मिश्रा बड़े प्यार के साथ उसका ख्याल रखता था। नंदू ढाबे पर आता और माँ बाप से पैसे के लिए तंग करता रहता था। ये देखकर मदन को बहुत बुरा लगता था। नंदू, अरे ये क्या है, जब भी पैसे मांगो तो कहते हो है नहीं, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, आप मुझे इतना पैसा भी नहीं दे सकते, ये 200 रुपए देते हो और इसके लिए इतना नाटक करते हो हैं? तब मिश्रा, बेटा गांव में बहुत सारे नए रेस्टोरेंट खुले हैं, इसलिए अपने ढाबे में बिक्री कम होती है बेटा, यदि हमारे पास पैसे होते तो क्या हम तुम्हें देते नहीं, बोलो। तब नंदू, अरे बापू तुम्हें कई बार समझाया है, ये ढाबा बेच डालो, अब इससे कोई कमाई तो होती नहीं, तो अच्छे दाम में बेचना ही ठीक है ना, इस बार अगर इसकी अच्छी कीमत मिले तो बेच डालो, वरना मैं किसी कुएं में कूद के मर जाऊंगा, कह देता हूँ हाँ अब दो पैसे, कहकर पैसे लेकर चला गया। एक दिन नंदू एक आदमी को लेकर आया और कहने लगा, बापू ये बहुत बड़े धनवान है, ये हमारे ढाबे की जमीन खरीदना चाहते हैं, ये अच्छा मौका है बापू, वैसे भी ढाबे में कोई कमाई तो होती नहीं है, इसे बेच डालना ही ठीक है, वरना मैंने कहा है ना मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगा हाँ। तब मदन, भैया इन्हें बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप जरा सोचिए तो। तब नंदू, ए तू चुप बैठ, ये हमारे घर का मामला है, तुझे इसमें बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर डांट के वहाँ से चला गया। मिश्रा और उसकी पत्नी को दुखी होते हुए देखकर मदन, आप चिंता न कीजिए, अगर ढाबे में धंधा अच्छा चला तो उसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ज्यादातर लोग ढाबे में आए। तब मिश्रा, पर ये कैसे होगा बेटा, वैसे भी अभी लोग ढाबे में आना कम कर चुके हैं, ढाबे के खाने का स्वाद तो अच्छा है पर लोग आते नहीं है, पता नहीं क्यों, कभी कभी लगता है मुझे बेटे की बात मान लेनी चाहिए और ढाबे को बेच देना चाहिए। मदन, क्या मैं नहीं जानता कि आप ये ढाबा बेचना नहीं चाहते, अपने ढाबे में लोग कम आते हैं इसलिए नहीं कि यहाँ का खाने का स्वाद नहीं है, इसलिए कि दूसरे रेस्टोरेंट में थीम्स बना के रखा है और उसी हिसाब से चलते हैं, इसीलिए मैं इस ढाबे में एक नया थीम बनाऊंगा जिससे लोगों को अपने ढाबे में आना ही होगा, वो क्या करना है आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मदन घर लौटा और जो कुछ हुआ अपने पिताजी को बताया, फिर उसने अपने पिताजी से कहा, मेरे लिए आप कुछ मिनी वाहन बना कर दीजिए। उसके पिताजी ने उसके कहे अनुसार ही उसके लिए मिनी वाहन बना के दिए। बाद में मदन ने उसके दोस्तों द्वारा दिए गए मिनी रिमोट व्हीकल्स के मोटर निकाला और उन लकड़ी के वाहनों में फिट किया। फिर उन लकड़ी के खिलौनों को लेकर वो ढाबे पे पहुंचा। फिर उसने मिश्रा को उन वाहनों के बारे में समझाया। उसके बाद उन्होंने ढाबे के बाहर मिनी व्हीकल बिरयानी का बोर्ड लगाया। उस बोर्ड को देखकर लोग जिज्ञासु होकर अंदर जाने लगे। वहां मदन एक रिमोट हाथ में लेकर खड़ा था। जो भी ग्राहक आते मिश्रा उनसे ऑर्डर लेता और अपनी पत्नी को जाकर बोलता। वो उन व्यंजनों को बनाती और उन मिनी वाहनों के ऊपर रखती।
मदन के रिमोट दबाते ही वो वाहन टेबल के ऊपर आ जाते। उस वाहन में से उस पकवान को निकाल कर लोग खाते। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। नतीजा ये हुआ कि बच्चे बड़े सब आकर उन्होंने देखा कि कैसे वाहनों में खाना परोसा जाता है और उसका आनंद लेने लगे। यूं बहुत कम समय में ही मिश्रा ने बहुत पैसे कमाए। एक दिन बेटा आया और कहने लगा, बापू मुझे माफ कर दो, इतने दिन मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और आवारा गर्दी करता रहा। सारे गांव में लोग हमारे ढाबे की तारीफ करते रहते हैं तो ये सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। पिताजी आज से मैं भी इस ढाबे में काम करूंगा बापू। थैंक यू मदन, कह के मदन को धन्यवाद कहा। तब से मदन ग्राहकों को उन मिनी वाहनों में बिरयानी परोसता था।